कोई ये लिख रहा है, कोई ये कह रहा है राइज ऑफ इंडिया इन अमेरिका, कोई कह रहा है मोदी मैजिक। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। एक कल्चरल इवेंट भी हुआ वहाँ पे, उसके बाद जो है वो बहुत से लोग मौजूद थे, प्रोटोकॉल पूरा दिया गया, सब कुछ से हुआ मुलाकात सारा। एग्जैक्टली आज उनका जो है वो सीईओज के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज के, उनके साथ मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी हैं, उन्होंने जब स्पीच की है तो 15 टाइम्स उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है कांग्रेसमैन की तरफ से। वहाँ पे जितने गेस्ट मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे, सब ने 15 से ज्यादा मर्तबा उठकर खड़े होकर तालियां बजाई हैं। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्ट। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका भारत का एक नैरेटिव है वो फिर दोबारा उस तरह ही आ गया। मुंबई की बात हुई, पठान तरीके से यूएस की एक सिंगर मोदी जी के पैर छू रही है। हालांकि मोदी जी के पैर छूने वाला एक इंसान पहले ही बहुत फेमस हो चुका है, पॉप एंड न्यू गाना का प्रेसिडेंट, और ये रिस्पेक्ट के तौर पे होता है। इसमें कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती कोई करा रहा है, ये रिस्पेक्ट के तौर पे हो रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान को आज यूएस कांग्रेस हाउस से आतंकवादी बोला गया, आतंकवादी कंट्री बोला गया, उसको लेकर रिएक्शन है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं। बड़ी परेशान कुन है जो जॉइंट स्टेटमेंट है अमेरिका की और भारत की, और ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर भी जारी की गई है जॉइंट स्टेटमेंट। आपको पता है कि मोदी साहब यूएसए के दौरे के ऊपर थे, बड़ा उनका कामयाब दौरा रहा। जिस किस्म की उनको वहां पर रिसेप्शन दी गई, इस अनप्रेसिडेंटेड है, इस किस्म की रिसेप्शन शायद ही कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को मिली हो। लेकिन उसमें बहुत सारा सबक है कि जो हमारी मौशी हालत है, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की हालत है, वो सारी चीजें ये अकाउंट करती हैं। पर एनीवे इस स्टेटमेंट के अंदर जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि मसलसल बिलावल साहब ने यूएसए के दौरे भी किए, भारत भी वो गए। बहुत सारे लोगों ने उसको भी तनकीद की कि आप भारत किसने जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है आप भारत जाने की, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं। वजीर आजम साहब भी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और जब से ये हुकूमत आई है इन लोगों ने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। मतलब जहाज इधर उतरता है उधर चले जाते हैं, इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं, इन्होंने रेस्ट नहीं होने दिया जनाब किसी किस्म का। पूरी दुनिया घूम रहे, और नतीजा अब यह निकला है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसमें भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्टिम है। हमारे यहां जो कुछ होता रहा कुलभूषण को हमने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन इल्जाम भी हमारे ऊपर लग रहे हैं। ये है हमारी कामयाब सफारतकारी। आप देख लें कि आए रोज हम बलोचिस्तान में भी बंदे पकड़ते हैं। कुलभूषण सबसे बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क पकड़ा गया भारत का और क्या कुछ होता रहा, और माजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आती रही। लेकिन हमारी सफारतकारी की ये हालत है, हमारी सफारती महाज पे हमारी कामयाबी ये है कि जनाब हम उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम लेके इसके अंदर इल्जाम लगाया गया। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर जमातें ग्रोह हैं उनके नाम लिखे गए, और उसके अलावा जो बम्बे में हमले हुए थे उनका जिक्र किया गया, पठानकोट का जिक्र किया गया, और पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि वो जनाब सरहद के पार से दहशतगर्दी करवाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई और उसके अंदर ये लिखा गया। ये है जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कामयाब सफारतकारी का नतीजा जो आपको एक साल की इनकी सफारतकारी के नतीजे में मिला है। बाकी जो इस वक्त मुल्क में हालत है, जो सियासी हालात हैं, वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आलमी सतह के ऊपर भी आपको उसमें चीजें देखने को मिल रही हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप देखें ना, मोदी जैसा बंदा और उनकी हुकूमत, क्या वो इस इखलाकी पोजीशन में है कि वो किसी और के ऊपर जाके इस तरह के इल्जाम लगाए? उनके अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं मतलब वहां से रिपोर्ट होता, और आलमी इदारे भी उसके ऊपर क्या कुछ कहते रहे? लेकिन क्या सफारती महाज पे हम किसी को कन्विंस करने में कामयाब हुए? बिलावल साहब जाते रहे ना अमरीका, क्या हम अमरीका सिर्फ अपना सीवी पेश करने जाते हैं या पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने जाते हैं? तो ये जनाब इनकी अमरीका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पार इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ खड़ा होगा। सो द इंडियंस इमर्जेंस एज ए ग्रेट पार जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है, ये जॉन किर्बी ने कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जो है स्पोक्स पर्सन है। अब आप इमेजिन करें व्हाइट हाउस ये कह रहे हैं।
इससे पहले आपको पता है कि ये जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है ये कहाँ पे चला गया? मोदी साहब और बाइडेन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी हम नए चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्ट्री में नया चैप्टर लिख रहे हैं, और मोदी बाइडेन मीटिंग में तय हुआ और मोदी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि वाशिंगटन हमारा वन ऑफ आर मोस्ट, इट मीन्स कि और भी हैं, सारी बातें ये बातें करनी होती हैं, वन ऑफ आर मोस्ट, वो ये तो नहीं कह सकते दी ओनली और या दी मोस्ट भी नहीं कह सकते, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं कह सकते, इसका मतलब होता है कि एक कल ही, ठीक है। सो उसने कहा कि इज वन ऑफ द मोस्ट, इट मीन्स ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, तो उन्होंने कहा और भी हमारे यहाँ रशिया भी होगा एंड सो एंड सो। सो ये जो चीज़ है ये उन्होंने जो की है कि अब बाइडेन साहब और मोदी साहब अब बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या जी एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह F/A-18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। और दूसरा ये जो रिसेंटली हमने बात की थी कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स इंडिया को देगा। सो आप इमेजिन करें कि गल्लां किधर दियाँ किधर हो गई हैं भाईजान, ठीक है जी। और मोदी साहब ने जो वहाँ पर मज़े की बात की, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी तुम्हारे DNA में, ये तो हम तो हैं डेमोक्रेट्स, ये जो बातें कर रहे हैं ये तो हमारे लिए बड़ी सेक्रेड है, ये वैल्यूज़ है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। बाइडेन साहब से भी ये सवाल हुआ लेकिन मोदी साहब ने ये जो इस चीज़ को बड़े तरीके से टैकल किया कि जी ये तो हमारे DNA के अंदर है। देखें दो चीज़ें, मैं वैसे पर्सनली दो इसको समझता हूँ, एक है कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया का स्टेटस बहुत तेज़ी से ऊपर उठा, जब वो तेज़ी से ऊपर उठा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो गई, फिर वो सवाल जो आप फिर वो जो शॉर्टकमिंग्स है, अगर इंडिया मिड साइज पार ये एक मिडल पार के तौर पे रहेगा तो सवाल ज़्यादा नहीं होंगे और चीज़ें डिस्कशन होंगी, लेकिन क्योंकि इंडिया बड़े उसका स्टेटस बड़ी तेज़ी से उठा तो उसकी वजह से उनको फिर वो जो क्वेश्चन आंसर फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। और जो ये आप जारी बात है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स मीडिया ये चीज़ें जो हैं ये जारी बात है वो हुई, लेकिन जिससे मैंने दो दिन पहले कहा था कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। अभी हम समझ नहीं ना पा रहे क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये बात कर दी है कि जनाब हम क्या उसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिका में एक ग्रैंड वेलकम मिलता है, साथ ही साथ US कांग्रेस सदन में किस तरीके से मोदी जी अपना संबोधन करते हैं, संबोधन के साथ उन्हें इतनी बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है कि आज तक की हिस्ट्री में किसी को इतनी बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला नहीं है। और अब जॉइंट स्टेटमेंट में भारत के प्रधानमंत्री और US के प्रेसिडेंट दोनों ने पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें कही हैं जिसको लेकर पाकिस्तानी अब रो रहे हैं, और पाकिस्तानी रो रहे हैं तो समझ जाएं कि बातें उनको बताया गया होगा कि आप आतंकवादी एक्टिविटीज़ ना करें, आप आतंकवादी गतिविधियां ना करें। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो बेसिकली तीन बड़ी कंट्रियों का पड़ोसी है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। इंडिया के साथ आपका पता है उसका क्या मैटर है, लेकिन अफगानिस्तान ईरान दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के उनसे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान ने कुछ तो कुछ गड़बड़ किया होगा। अब पाकिस्तानी भले ही ये बोले कि हम खुद टेररिज्म से परेशान आ रहे, तो भैया अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो कांटे तो आपको चुभेंगे, आजीवन चुभेंगे, पक्की बात है। आपने बबूल का पेड़ बोया और कांटे सोचा कि दूसरे देशों में भेजें वो कांटे, और वो दूसरे देशों में कांटे चुभें लेकिन वो आपको भी चुभेंगे, वही कुछ आपके साथ हो रहा है। अब आप देख सकते हो दोस्तों US का भारत को लेकर इतना ग्रैंड वेलकम, पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म, भारत के लिए भी आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं कि US के इतने ग्रैंड वेलकम के पीछे क्या मकसद है, भारत को US इतना क्यों सपोर्ट कर रहा है।